किसी का भाई किसी की जान रिलीज होने वाली दिसंबर में। जी हाँ बिल्कुल एक्साइटेड तो है फिल्म को देखने के लिए। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इसी अक्टूबर के अंदर ही, अक्टूबर शुरू हो चुका है, अक्टूबर के अंदर ही 23 अक्टूबर को जो इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का मैच है मेलबर्न में देखने को मिलने वाला है जो ऑस्ट्रेलिया में, उसी के मैच के वो जो प्री एक वो एक मैच शो चलता रहता है उसके दौरान जो है सलमान खान इसका टीजर लॉन्च है, ट्रेलर तो नहीं टीजर लॉन्च करने वाले थे ऐसा सुनने को आ रहा था। लेकिन अभी सुनने में आ गया कि खबर जो है अब सोर्सेस से आ रही है, खबरें जो मुझे मालूम चली है वो ये आ रही है कि फिल्म के टीजर को यहां से पोस्टपोन कर दिया गया, यानी 23 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान के मैच में हमें भाईजान का टीजर देखने को नहीं मिलने वाला है, वो आगे हो गया, अब आगे सरक के वो हो गया, या तो वो नवंबर के मिड में आएगा 15 नवंबर के आसपास देखने को मिलेगा, या फिर नवंबर के बिल्कुल एंड में हमें डायरेक्ट ट्रेलर ही देखने को मिलने वाला है इस फिल्म का, जहां तक मेरी जानकारी आई है। तो मैं ऐसा समझता हूं शायद नवंबर मिड और नवंबर एंड में ट्रेलर ही दिया जाएगा, फिर टीजर देने का कोई सेंस नहीं रहेगा क्योंकि ना टीजर ट्रेलर में फिर वक्त लगाया जाता है, तो मैं समझता हूं डायरेक्ट ट्रेलर दिया जाएगा फिल्म का। और खैर मैं समझता हूं ठीक है अच्छी बात है, डायरेक्ट ट्रेलर ही देखने को मिलेगा तो मजा आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इतने सारे लोग आएंगे देखने के लिए, इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा होंगे और टीवी देख रहे होंगे, उस दौरान अगर वो भाईजान का ट्रेलर भी टीजर भी देखने को मिल जाता तो थोड़ा एक पब्लिसिटी काफ़ी अच्छे लेवल पर प्रमोशन हो जाता, ऑडियंस तक पहुंच जाती फिल्म। लेकिन ठीक है अब अगर कुछ रीजन रहे होंगे, शायद चीज़ें तैयार नहीं हो पा रही, पोस्ट प्रोडक्शन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा होगा भाईजान का, इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा आगे टरका दिया गया, आगे सरका दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये फिल्म भाईजान तो कमाई करेगी बिल्कुल, देखिए दिसंबर में आने वाली है, 30 दिसंबर लगभग सेकेंड लास्ट डे रहेगा इस साल का 2022 का, जितनी लगातार फ्लॉप फिल्में दी हैं बॉलीवुड ने उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक भाईजान ही है जो आकर अपनी भाईजान फिल्म से थोड़ी नैया पार लगाएंगे, 2022 का अंत थोड़ा बेहतर ढंग से करवाएंगे। हालांकि फिल्म की अच्छी कमाई तो हमें 2023 के स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगी जब जनवरी का पहला हफ्ता आएगा, तो मज़ा आ जाएगा, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाईजान में सलमान खान को एक बार फिर से बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए।